हैं, मैं रोड सेफ्टी फाउंडेशन मुंबई की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम हैं हमारे दिल्ली के ट्रेनिंग सेंटर में, फरीदाबाद ट्रेनिंग सेंटर में। और आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम मनु निषाद है। सर मनु निषाद? मनोज निषाद। मनोज निषाद। तो मनोज आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं यूपी आजमगढ़ से रहने वाला हूँ। सर यूपी आजमगढ़ से मनोज यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और मनोज यहाँ फॉर्कलिफ्ट सीखने आपके लिए आए हुए हैं, काउंटर बैलेंस फॉर्कलिफ्ट सीखने के लिए आए। तो मेरा मनोज आपसे एक सवाल है कि पहली बात तो आपने ये सेक्टर में आने का विचार क्यों किया कि मुझे फॉर्कलिफ्ट ही सीखना चाहिए? मतलब इसके पीछे आपका कोई पर्पस था, मतलब आपने कुछ विचार किया था कि आपको ये सेक्टर में ही क्यों आना है? सर जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैं गवर्नमेंट वैकेंसी देख रहा था, तो मतलब मैं सक्सेसफुल कहीं हो नहीं पाया, मेरा लास्ट स्टेज है सर, इसके थ्रू मुझे सर बाहर जाना है। सर अच्छा, आप गल्फ कंट्रीज के लिए या किसी अदर कंट्रीज के लिए ये जॉब देख रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जितने आप ये बाहर की वैकेंसी देखेंगे उनमें हर वैकेंसी में कहीं ना कहीं हर ऐड में आपको फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। आज कोई स्टील कंपनी है वो बिना फॉर्कलिफ्ट के नहीं चल सकती, आप 2 टन 4 टन का वजन बिना फॉर्कलिफ्ट के नहीं उठा सकते हैं। कोई केमिकल कंपनी है उसमें ड्रम उठाने के लिए फॉर्कलिफ्ट का यूज़ किया जाता है, ट्रक लोडिंग अनलोडिंग के लिए फॉर्कलिफ्ट का यूज़ किया जाता है। कोई फार्मा कंपनी है उसमें भी बॉक्स उठाने के लिए फॉर्कलिफ्ट का यूज़ किया जाता है। इवन जो वेयरहाउसेज हैं या लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनमें भी बिना फॉर्कलिफ्ट के आप वर्क कर ही नहीं सकते। तो आज की डेट में दुनिया की कोई कंपनी बिना फॉर्कलिफ्ट के काम कर ही नहीं सकती। तो आज फॉर्कलिफ्ट जो है वो हाई डिमांड जॉब है, आज हर कंपनी में फॉर्कलिफ्ट होती ही है। तो ये इसलिए उन्होंने सोचा कि आज हम यहाँ फॉर्कलिफ्ट का ट्रेनिंग करने के लिए रोड सेफ्टी फाउंडेशन के ट्रेनिंग सेंटर में आए। अच्छा मेरा दूसरा सवाल है आपसे, जी सर आपने और भी ट्रेनिंग सेंटर ढूंढे होंगे, देखे थे आपने कोई और यूट्यूब में या अदर कहीं? अदर सर ऐसे देखे थे, बिहार में एक गल्फ करके था यहाँ पे। तो आपने उनका वीडियो देखा था? वीडियो में देखा था। तो उनका ट्रेनिंग सेंटर में और आपका यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर में पहली बात तो आपको क्या अंतर महसूस हुआ? तो मैं सर आपका जो रोड सेफ्टी फाउंडेशन है इसका मैं ज़्यादा यूट्यूब में वीडियो देखा, तो इस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं चूज यहाँ के लिए किया सर यहाँ। अच्छा नहीं, एक दूसरी दिक्कत और है कि वो कच्चे में सिखाते हैं वहाँ पे, उनके पास कोई ऐसा प्रमाइसिस नहीं है, तो वहाँ खेत में जैसी जगह ओपन जगह में सिखाते हैं। और वहाँ पर आप आगे पीछे चलाना जरूर सीख सकते हैं पर ओपन जगह में आप फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर नहीं बन सकते। फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर आप कब बनेंगे? जब आप लोडिंग अनलोडिंग रैक पे मेटल चलाना पूरा सीख लेते हैं। तो अभी तक आपके कितने दिन हो गए ये ट्रेनिंग को चालू होके? सर मैं यहाँ 2 तारीख को ज्वाइनिंग किया था, मेरा आज फिलहाल 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। तो 10 दिन में तो आप बहुत सारा सीख गए होंगे। सर अभी मैं सेकंड रैक पे रखना सीख गया हूँ। आप वहाँ सेकंड रैक पे मेटल लगाना भी सीख रहे हैं, तो मुझे सिर्फ ये जो फर्स्ट लेवल के रैक से मेटल लगा के एक बार फिर कितना 8 का टन बना के फिर आप यहाँ पे आके उस मेटल को रख पाएंगे, सेकेंड लेवल पे रख दीजिएगा। चलिए एक बार उठा लीजिए। एक बार यहाँ आपने एक गलती की, क्या गलती की? आप फॉर्क वहीं से उठा के आए, फॉर्क वहां से नहीं उठा के आना है, आपने रैक के 1 फीट पहले गाड़ी को रोकना है फिर फॉर्क को ऊपर लेना है। ऐसे उठा के फॉर्क के साथ कभी वर्क नहीं करना है, जितना गाड़ी का सीधी हाई रहेगा उतना गाड़ी पलटने की संभावना ज्यादा होती है। अभी यह अनलोडेड भी है, लोडेड भी हो सकती है। चलिए उसके बाद सदा रखिए, जमीन से 6 इंच ऊपर रखना और टिल्ट करके रखना, टिल्ट डाउन, टिल्ट डाउन, आराम से। Thank you.
तो आप अपने जानकारों को यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताना चाहेंगे, मतलब लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप यहाँ आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो मेरे जो दर्शक हैं जो ये वीडियो देखते हैं मेरा, आप उनको सलाह देना चाहेंगे कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर कैसा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा आपको और कैसा ट्रेनर्स का बिहेवियर है आपके लिए, कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी जी जरूर, मैं कहना चाहता हूँ सर, ये जो रोड सेफ्टी फाउंडेशन है ये मतलब बहुत अच्छा फाउंडेशन है, यहाँ पे जो भी बंदा आना चाहता है बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब्सिडी सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पे अपना आके आप फोरक्लिप और रिस्ट्रक यार्डी दोनों यहाँ पे सीख सकते हैं और सीख के यहाँ अदर कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, जो भी मिल जाता है सर। अच्छा मेरा एक सवाल और है आपसे सर, ये आपने ये मशीन सीख रहे हैं बैटरी फोरक्लिप्ट, इसका कितना चार्ज आपसे टोटल चार्ज किया गया है यहाँ पे? सर ये मेरा फोरक्लिप ऑपरेटर इसको सीखने के लिए मेरे से 12,000 रुपये लिया गया है, आप 15 दिन ट्रेनिंग सेंटर, 15 दिन ट्रेनिंग के लिए आप फिलहाल 1,000 रुपये लिया गया रूम रहने के लिए। तो आपको लगता है कि आपसे जो चार्ज आपने गल्फ में या दूसरे इंस्टीट्यूट में भी देखा था, आपको लग रहा है आपका चार्ज यहाँ पे कम लगा है? आपने पता किया था दूसरे इंस्टीट्यूट में कितना चार्ज लगता है? फिलहाल सर मैं दूसरे जगह पता ही नहीं किया, पता नहीं किया। तो 12,000 रुपया आपको चार्ज लगा और 15 दिन रहने का 1,000 रुपया रहने का चार्ज लगा। अच्छा आपको ये बोला गया है कि आपका अगर ट्रेनिंग लेट हो जाता है 15 दिन में नहीं सीख पाते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा? नहीं नहीं सर ये बोला नहीं गया है, यहाँ पे सर बोले थे यहाँ पे मतलब आप 15 दिन में कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब और 2-4 दिन जब तक बंदा कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ से मतलब रिफर नहीं करेंगे, उसका अदर कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप 12,000 के अंदर में कर पाओगे। वेरी गुड, और प्लस आपका 1,000 रुपये रूम का भी रहेगा, अदर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वेरी गुड, तो यहाँ एक बेनिफिट और है आपको कि यहाँ आप 15 दिन में अगर नहीं भी सीख पाते हैं, हमारा कोर्स जो डिज़ाइन किया गया वो 15 दिन के लिए किया गया, पर अगर 15 दिन भी आप यहाँ पर सीख नहीं पाते हैं तो आप एक्स्ट्रा रुक के अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम उसका कोई ट्रेनिंग का एक्स्ट्रा चार्ज या कोई भी रहने का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। तो आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। वेलकम सर, नमस्कार।